Assalamualaikum guys, आज हम आए हैं रावल डैम और आपको दिखाते हैं कि रावल डैम में क्या क्या चीज़ मौजूद है, कैसा रावल डैम है। आए सबसे पहले आपको ले चलते हैं डैम की तरफ, आपको दिखाते हैं पानी कितना है कितना नहीं है, कैसा पानी का व्यू है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अलग कितना नज़र आ रहा है, ये देखें, इसे कहते हैं रावल डैम। जिन भाइयों ने नहीं देखा हुआ वो आज देख लें, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आज हम आए हैं रावल डैम, यहाँ से आपको काफ़ी व्यू नज़र आएगा, पिकनिक पॉइंट है काफ़ी बनी हुई, यहाँ पे लोग एंजॉय करने आते हैं, मस्ती करने आते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है इसका। चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको, काफ़ी प्यारा बना हुआ है। पहले तो ऐसे जंगल टाइप था, अब इन्होंने काफ़ी इसकी सफाई वगैरह की हुई है। ये देखें इनकी मेंटेनेंस नहीं अभी से सही हुई, अच्छा बना हुआ है। नीचे चलते हैं आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसकी। ये ट्रैक बनाई है वॉकिंग एरिया, नहीं ये देखें, ये वो यार ये देखें इनके हालात, देखें कैसे इनके हालात हैं। इन्होंने आज तक यहाँ पे सफाई नहीं की, इस्लामाबाद इंतजामिया ने जैसे मैं चाक ले जाऊँ तो वीडियो बनाई क्यों है, लेकिन बताना हमारा ऐसे पाकिस्तानी शहरी क्यों होते हैं आते हैं, हमें बताना हमारा फ़र्ज है। बंद अभी ये बंद है, लेकिन फिर भी हम आ गए यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। ये वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका व्यू कैसा है। यहाँ से पानी वगैरह निकलता, अभी पानी के यहाँ लेवल बहुत कम हुआ है इसलिए यहाँ पे पानी वगैरह नहीं ये फेंक रहे। और देखिए वो सूखा हुआ, नीचे जा सकते हैं, चलते हैं नीचे, नीचे आपको क्लियर व्यू दिखाते हैं इसका। बाकी अब ये देख सकते हैं कौन सा रास्ता जाना नीचे, हेलो कौन सा रास्ता जाना है, अच्छा इधर से जाना। आम शहरियों के लिए अभी तक बंद है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमारे लिए खोला है ताकि हम आपको दिखा सकें कि नीचे क्या क्या व्यू आता है, क्या क्या चीज़ है। नीचे का व्यू आप देख सकते हैं, वो सामने पहाड़ियाँ हैं, वो सामने फार्म हाउस बने हैं लोगों के, आपको दिखाते हैं कि फार्म हाउस कैसे कैसे बने हैं, लोगों ने कैसे कैसे फार्म हाउस बनाए हुए हैं। यहाँ से इंटरेस्ट होते हैं, अभी थोड़ी देर जाते हैं नीचे, अभी हम सोचा कि ऊपर ही आपको दिखा लें, क्योंकि अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, कोई सिफारिश लगाते हैं कहीं से कुछ कहते हैं तो फिर वो हमें जाने देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि नीचे क्या क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हैं बस सामने मस्जिद बनी हुई है, ये सामने रावल डैम, अभी तक इन्होंने आवाम के लिए खोला नहीं है, लोकल पर्सन कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता, कोई पूंदी वगैरह लगाई है। ये देखिए इन्होंने माल्टे वगैरह लगाए हैं, ये मीठे हैं मौसमी हैं पता नहीं क्या है, वल्लाह आलम क्या है। ये आप देख सकते हैं फ्रूट वगैरह लगाए हुए हैं, ये इन्होंने फ्रूट लगाए हुए हैं, ये फ्रूट की तरफ लगे हुए हैं यहाँ पे, देखें आप नज़र आ रहा होगा, ये देखें ढेर सारे फ्रूट की तरफ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा फल है। ये सामने मस्जिद है, ये मस्जिद है इनकी, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता वो लिखा हुआ है रावल डैम।
इमिग्रेशन अपार्टमेंट्स। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। लो गाइस, हम जा रहे हैं अब नीचे, आपको दिखाते हैं कि नीचे का व्यू कैसा होता है। ये रास्ता जाता है नीचे की तरफ, देखें ये गाइस, ये पुराना बहुत ही यूनिक किस्म की ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। बिल्डिंग ये पहले ये होटल होता था, अब ये बिल्डिंग है। एम ढांचा खराब किया हुआ, अब ये आप देख सकते हैं। आप और देश ही थे हैं, आ भी जाए उत्ते कुछ है ऐसे ही, और छाड़ उत्ते कोई शायद है तो नहीं हो तो वेदे आओ थले जहर इन पिया। चलो नीचे जाते हैं, देखते हैं नीचे क्या क्या चीज़ है। फुल चर्च आ रही है, कितने नजर आ रहा है। देखें भाई बैठे हुए यहाँ पर परेशान के हालत में, आगे देख सकते हैं, ये व्यू देख सकते हैं आप रावल डैम का। वो सामने आपको वो बिल्डिंग किस चीज़ की है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, हाँ समझ जाओ तो सारे। ये रावल डैम का व्यू है, ये पत्थर भी देख रहे हैं फरमाइश पे। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।